नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पाव ब्रेकफास्ट, मैं हूं मानसी दवे। और एक दिन की छुट्टी के बाद आज खुलेंगे भारतीय बाजार और आज है बड़ा दिन इवेंट स्पेसिफिक। यहां पर आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आएगी और साथ ही निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है। तो इन तमाम इवेंट्स के चलते आज के दिन कौन सी रणनीति आपको अपनानी है, क्या स्ट्रेटजीज आपके लिए अहम है, कौन से स्टॉक्स आपके लिए खास है, सब कुछ तैयारी सुबह से ही हम कर लेते हैं। शुरुआत एशियाई बाजार के संकेत से कर लेते हैं। ग्लोबल सेटअप वैसे अच्छा दिख रहा है, लेकिन एसडीएक्स निफ्टी देखिए फिलहाल हल्की सी बिकवाली के साथ 12,050 के नीचे कर रहा है ट्रेड। बाकी तमाम एशियाई बाजारों पर भी एक बार नजर बनाएंगे किन लेवल्स पर ये कर रहे हैं ट्रेड। खास तौर से आप देखिए कोरिया का बाजार कॉस्पी आज बंद है। हांगकांग के बाजार में 40 अंकों की तेजी का रुझान देखने को मिल रहा है, 26,935 के स्तर पर यहाँ पर है कारोबार। और निकाई में भी तेजी के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है। खासतौर से अमेरिकी बाजार जिन लेवल्स पर क्लोज हुए थे ये देखना भी अहम है। और आपको चार अहम संकेत बता देते हैं जो आज पूरे दिन बाजार को इम्पैक्ट करते हुए दिखेंगे। सबसे पहले तो आरबीआई ब्याज दरों पर आज अपना फैसला सुनाएगा, अहम इवेंट है आज के लिए। दरों में 1/4% कटौती की संभावना है और आसान भाषा में आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस पर, देखिए आज पूरा दिन हमारे साथ। इसके अलावा ग्लोबल बाजारों से अच्छे संकेत मिल रहे हैं, यूएस फेड की दरें घटने की उम्मीद से अमेरिकी बाजारों में तेजी जारी है। दो दिन में करीब 700 अंक डाउ उछल चुका है। और साथ ही एशियाई बाजारों के संकेत अगर देखें तो एसडीएक्स निफ्टी में हल्की सी बिकवाली, लेकिन हांगकांग के बाजार कर रहे हैं तेजी से ट्रेड। साथ ही आज निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन, जून सीरीज शुरू होने के बाद पहली वीकली एक्सपायरी है, देखना अहम होता है कि एक्सपायरी किन लेवल्स पर कटेगी। और यूएस में क्लास 8 ट्रकों की बिक्री 70% गिर चुकी है, तो इसका इम्पैक्ट कैसा देखने को मिलेगा ये देखना अब अहम हो जाता है। अब पूरी टीम मेरे साथ जुड़ गई है, ग्लोबल बाजार कैसे दिख रहे हैं उसके पीछे की वजह क्या है ये बताने के लिए संदीप मेरे साथ जुड़े हैं और साथ ही जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं जो आज बाजार के लिए अपनी पहली रणनीति अभी बताने जा रहे हैं। संदीप, शुरुआत आपसे कर लेते हैं, ग्लोबल बाजार से अच्छे संकेत दिख रहे हैं? संकेत अच्छे हैं, केवल एसजे निफ्टी को छोड़ दीजिए, बाकी सभी संकेत आपको अच्छे नजर आएंगे। एसजे निफ्टी 1/4% के आसपास ही गिरावट दिखा रहा है, हालांकि ये चौंकाने वाली बात है कि एशियन मार्केट जो खुले हैं उसमें देखिए हल्की सही लेकिन पॉजिटिव शुरुआत हुई है। कॉस्पी जरूर बंद है जो कोरिया के मार्केट्स हैं, लेकिन बाकी मार्केट्स आप देखिए हल्के हरे निशान के साथ ही खुलते हुए दिखे हैं। और दो दिन से अमेरिकी मार्केट्स जिनके ऊपर आज हम रिएक्ट करेंगे, दो दिन की जो चाल है यूएस की मार्केट्स की, दो दिन में बहुत मजबूत थे। कल भी अगर आप देखें डाउ में करीब 200 पॉइंट के आसपास से गेंस थे और उससे पहले दिन भी आप देखें तो 500 अंकों से ज्यादा का उछाल था दो दिन में, यानी कि डाउ में 700 पॉइंट के ज्यादा की जो तेजी है वो देखने को मिल चुकी है। और दरअसल इसलिए कि दरों की जो कटौती है, दरों में कटौती की उम्मीद इस साल अमेरिकन मार्केट्स करके चल रहे हैं, माना ये भी जा रहा है, हालांकि थोड़ी सी पॉसिबिलिटी कम है कि जो 18-19 तारीख को फेड की बैठक होने वाली उसमें भी एक दरों में कटौती की गुंजाइश बनती हुई दिख रही है। क्योंकि मानसी आपको याद होगा पिछले हफ्ते भी मैंने आपको बताया था कि एक जो फेड के अधिकारी हैं उन्होंने ऐसा इंडिकेट किया था कि दरों में बहुत जल्द कटौती हो सकती है। और अब जेरम पॉवेल जो कि फेड चेयरमैन हैं उनकी ओर से भी ऐसे इंडिकेशन निकल के सामने आए कि वो लगातार इकोनॉमी के ऊपर नजर बनाए हुए हैं और इकोनॉमी में एक्सपेंशन के लिए, ग्रोथ के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे। तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन बाजार यही मान के चल रहा है कि अब कहीं ना कहीं फेड चेयरमैन भी इस चीज को लेके कहीं ना कहीं तक संगत हैं कि हाँ दरों में कटौती हो सकती है और उसका बहुत जल्द मूव आ भी सकता है। तो इसी वजह से आप देखिए अमेरिकन मार्केट चढ़ते हुए दिखे थे और उसका इंपैक्ट यूरोपियन मार्केट्स पे भी था, 0.5% के आसपास की मजबूती देखने को मिली। और रही बात अब C2 फैक्टर की, कल क्रूड अगर आप देखें वहां पे बड़ी गिरावट थी, करीब 3-3.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली, करीब 5 महीने के निचले स्तर पर आपको क्रूड नजर आएगा। एक समय तो $60 के नीचे भी ब्रेंट चला गया था, $100 के नीचे अभी भी आपको लेवल नजर आएगा और $52 के नीचे आपको WTI नजर आएगा। दरअसल US में जो क्रूड भंडार है वो ज्यादा बढ़ता हुआ दिखा है, अनुमान ये था कि कमी देखने को मिलेगी 8.5 लाख बैरल की, 68 लाख बैरल से घटा बढ़ा है, तो उसका इंपैक्ट क्रूड में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, ये हमारे हक में है। और रुपया फ्लैट बंद हुआ था हालांकि मंगलवार को, आज अगर मजबूती आती है क्रूड की चाल की वजह से तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे हक में आ जाएगा। तो नेट नेट अगर आप सिर्फ एसजेक निफ्टी को छोड़ दें तो बाकी सभी संकेत हमारे हक में है। चलिए, तो बिल्कुल संकेत हमारे हक में है, सिर्फ एसजेक निफ्टी हल्की सी बिकवाली के साथ कर रहा है ट्रेड, लेकिन आज रुपए की ओपनिंग देखना बेहद जरूरी है और अमेरिका में स्टॉक बढ़ने से कच्चे तेल पर दबाव देखने को मिल रहा है। संदीप, तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं कि FIS DIS की तरफ से एक्शन क्या देखने को मिला। मंगलवार के दिन जब क्लोजिंग हुई उसके बाद FIS DIS ने क्या एक्शन दिखाया, संस्थागत निवेशकों की तरफ से क्या रुख रहा ये देखिए। FIS ने कैश मार्केट में 416 करोड़ की बिकवाली की है, DIS ने कैश मार्केट में 355 करोड़ की बिकवाली की और FNO में FIS ने करीब 307 करोड़ की बिकवाली।
बिकवाली है एफआईएस डीआईएस की तरफ से। इंडेक्स फ्यूचर्स में देखिए 1150 करोड़ की बिकवाली एफआईएस की तरफ से, इंडेक्स ऑप्शंस में 1600 करोड़ की खरीदारी एफआईएस की तरफ से आती हुई दिखी है और स्टॉक फ्यूचर्स में 750 करोड़ की बिकवाली है। तो इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईएस कर रहे हैं खरीदारी, बाकी हर जगह बिकवाली का रुख एफआईएस की तरफ से और डीआईएस की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल जी गुड मॉर्निंग। आरबीआई की निफ्टी की वीकली एक्सपायरी जून सीरीज शुरू होने के बाद पहली वीकली एक्सपायरी, बाजार का मूड आज कैसा रहेगा? मूड अच्छा ही रहना चाहिए, फिलहाल तो ऐसा कोई कारण मुझे नहीं लगता है जिसकी वजह से बाजार पर बड़ा दबाव दिखे। हालांकि एसडीएक्स निफ्टी आपको 35-40 तक नीचे तो दिखा है, इतना नीचे अगर बाजार खुलते हैं तो मुझे लगता है खरीदारी का बेहतरीन मौका होगा। 12,000 निफ्टी के लिए निर्णायक लेवल के तौर पर आज आपको देखकर चलना चाहिए और जो ट्रेडिंग रेंज निकल कर आती है नीचे की तरफ 11,925 बेहद मजबूत सपोर्ट है निफ्टी पर और ऊपरी स्तरों पर 12,100 ये 125 पॉइंट की रेंज है जिसके भीतर बाजार ट्रेड करने चाहिए और इस रेंज के बाहर एक तरफ निकले तो फिर बड़ा मूव आएगा और वो मूव शायद पॉलिसी के बाद आए तो आए, पॉलिसी के पहले आना शायद मुश्किल लगता है। पॉलिसी के पहले बाजार इसी ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड करेगा और अगर इतनी कमजोरी के साथ शुरुआत होती है, गैप से खुलता है बाजार, तो मुझे लगता है वहां तुरंत ही खरीदारी के मौके होंगे। दो दिनों में 700 पॉइंट की तेजी जो डाउ में मिली है वो काफी बड़ी है और अच्छी काम की है, तो मुझे लगता है उसका फायदा जरूर बाजारों को मिलना चाहिए और कच्चा तेल भी $60 के आसपास है तो कोई ऐसा रीजन नहीं है कि बाजार बहुत ज्यादा गैप से नीचे खुले। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, आज बैंक निफ्टी के लिए ज्यादा बड़ा दिन है पॉलिसी के लिहाज से और उस लिहाज से अगर आप देखें तो 31,500 बैंक निफ्टी के लिए एक बेहद मजबूत सपोर्ट है और वो आज निर्णायक लेवल के तौर पर आपके लिए काम करेगा और उसके नीचे 31,350-31,400 की रेंज में सपोर्ट है और 31,750 के पार निकलकर बैंक निफ्टी टिका तो फिर और फ्रेश और बढ़िया खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखेगी, वो पॉलिसी के बाद ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ पॉलिसी तक रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा, उसके बाद देखते हैं आरबीआई गवर्नर साहब पॉलिसी में क्या कुछ करते हैं। बिल्कुल अनिल जी, साथ ही सेक्टर स्पेसिफिक कहां पर नजर रखनी चाहिए और क्रेडिट पॉलिसी के बाद बाजार का सेंटीमेंट कैसा रहेगा? देखिए क्रेडिट पॉलिसी में देखिए 1/4% ब्याज दरें अगर घटती हैं ये तो बाजार को पता है, प्राइस में डिस्काउंटेड भी है। अगर 0.5% घटती है तो फिर बाजार में और जोश आएगा और तेजी मिल सकती है। अगर आरबीआई गवर्नर 1/4% ही घटाते हैं फिर ये कहते हैं कि मैं और आगे के लिए ओपन हूँ, अगर मुझे डेटा ठीक दिखते तो मैं और घटाने के लिए तैयार हूँ और ज्यादा एग्रेसिवली घटाएंगे तब भी बाजार मजबूत होगा। अगर बिल्कुल ना घटाएं जिसकी संभावना बहुत ही कम है तो फिर दिक्कत होगी बाजार के लिए, फिर मुश्किल होगा बाजार के लिए ठीक बना और अच्छा करेक्शन बाजार में आ सकता है। पॉलिसी के लिहाज से फिर ऐसे में मानसिक जो सेक्टर्स हैं बैंक ही सबसे ज्यादा अहमियत वाला सेक्टर है जिस पर आज मेक और ब्रेक वाला मामला है, लेकिन उससे पहले कुछ कमजोर क्वालिटी के एनबीएसई शेयर यहाँ पर कमजोरी दिख सकती है जिस तरह से DHFL की खबरें चल आई है डिफॉल्ट करने की, उसको देखते हैं जो कमजोर क्वालिटी के शेयर हैं हाई लीवरेज कंपनियां वहां पर थोड़ी सी दिक्कत आ जा सकती है, दबाव रह सकते हैं। बिल्कुल अनिल जी, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो क्रेडिट पॉलिसी के लिहाज से बैंकिंग स्टॉक्स पर रखनी होगी नजर और साथ ही अनिल जी की पहली रणनीति देखें 11,925 से 12,100 ये ट्रेडिंग रेंज निफ्टी में 12,000 होगी आपका निर्णायक स्तर और साथ ही बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो 31,500 निर्णायक स्तर बैंक निफ्टी के हैं और साथ ही 31,400-31,750 की ट्रेडिंग रेंज के बीच आज कारोबार देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हो गया आज की खबरों वाले शेयर्स जानने का, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। पूजा गुड मॉर्निंग, बताएं खबरों के दम पर आज कौन से स्टॉक्स फोकस में है, वैसे आज बैंकिंग सेक्टर ज्यादा फोकस में रहेगा? जी बैंकिंग सेक्टर तो रहेगा ही, आज पॉलिसी आने वाली है तो जो रेट सेंसिटिव स्टॉक्स हैं उन पर तो नजर रखिए। थोड़ी देर पहले आनंद जी भी बात कर रहे थे इस बारे में लेकिन खबरों के चलते आज काफी सारे स्टॉक्स एक्शन में देखने को मिल सकते हैं। इसमें OFS से जुड़ी जो खबरें आती है उसके हम आपको डिटेल्स दे देते हैं। L&T टेक का जो OFS है वो आज रिटेल निवेशकों के लिए खुले और जो इनका नॉन रिटेल कैटेगरी थी उसको करीब 1.34 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब नॉन रिटेल कैटेगरी का जो हिस्सा है वो हो चुका है और इसका जो फ्लोर प्राइस है ₹1,650 तय किया गया था। तो L&T टेक का जो OFS से जुड़ा अपडेट आ रहा है इसके जरिए इस पर फोकस रखिए। इसके अलावा सेमको से जुड़ी भी अपडेट आ रही है, आज 6 जून को नॉन रिटेल कैटेगरी के लिए OFS खुलेगा और कल रिटेल निवेशकों के लिए OFS खुलेगा और सेमको का जो OFS का फ्लोर प्राइस है वो ₹29 प्रति शेयर तय किया गया है। तो इसके चलते आज इन दोनों स्टॉक पर नजर रखिए। DHFL यहां पर नजर रखिए क्योंकि काफी ढेर सारी खबरें
आ रही हैं तीन रेटिंग एजेंसी इकरा, केयर और क्रिसिल ने कंपनी की कमर्शियल पेपर की रेटिंग घटा दी है। उनको एक डिफॉल्ट का खतरा लग रहा है जिसके चलते ये रेटिंग घटाई गई है, लेकिन इस पर कंपनी की तरफ से भी सफाई आ रही है और कंपनी के जो बॉन्ड्स का जिनके पास कस्टोडियन है कैटलिस्ट ट्रस्टीशिप, उनका भी कहना है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगले 7 दिनों में कंपनी को जो भी ब्याज का भुगतान करना है करीब 931 करोड़ का, वो अगले हफ्ते सोमवार या मंगलवार तक कर देगी। और DHFL का भी कहना है कि वो लगातार कोशिश कर रही है, जो रेटिंग एजेंसियों ने जो रेटिंग घटाई है वो काफी सरप्राइजिंग था, वो लगातार भुगतान कर रही है। और इससे जुड़ी एक और खबर आ रही है, RBI से कंपनी को एजुकेशन लोन बेचने की मंजूरी मिल चुकी है, वाबक को अपने लोन बेचेगी जिसके जरिए करीब 1000 से 1200 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। तो इस तरह के क्लैरिफिकेशन भी आ रहे हैं कंपनी की तरफ से और तीन रेटिंग एजेंसियों ने जो रेटिंग घटाई है इसके चलते आज DHFL पर जरूर नजर रखिए। कुछ ऑटो कंपनीज, ऑटो एंसिलरी कंपनीज भारत फोर्ज, मदरसन सुमी, रामाकृष्णा फोर्जिंग्स, ये कंपनीज भी आज फोकस में रहेंगी। मई में नॉर्थ अमेरिका में क्लास 8 ट्रक बिक्री के आंकड़े आ गए हैं और इसमें 70% की कटौती साल दर साल देखी गई है और इसमें इन सभी कंपनियों का एक्सपोजर है, तो आज यहां पर कुछ रिएक्शन देखने की उम्मीद की जा रही है। फोर्स मोटर्स पर भी नजर रखिए, कंपनी ने मई ऑटो बिक्री के आंकड़े घोषित किए हैं और कमजोर नंबर्स आए हैं। मई घरेलू बिक्री के जो आंकड़े हैं वो 2126 करोड़ से घटकर इस बार 2090 करोड़ के आसपास, 2090 यूनिट के आसपास ये आंकड़े आए हैं, तो कमजोर नंबर्स हैं। आज फोर्स मोटर्स पर भी इसका रिएक्शन देखने की उम्मीद है। और इंडिको रेमेडीज पर भी नजर रखिए, गोवा प्लांट की जांच हुई, USFDA ने जांच की जिसमें की 4 आपत्तियां पाई गई हैं, तो इसका एक रिएक्शन इस स्टॉक में देखने की उम्मीद। चलिए, तो क्लियरली बैंकिंग स्टॉक्स पर तो नजर रखनी है, लेकिन इकरा ने जो रेटिंग घटाई है इस वजह से DHFL पर भी नजर रखें, OFS के नजरिए से सिमको और L&T टेक्नोलॉजीज और ऑटो कंपनीज पर आज फोकस रहना चाहिए। पूजा, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो आज बाजार में कहां हो सकती है आपकी कमाई, इस पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ जुड़ गए हैं LKP सिक्योरिटीज के रोहित सिंगरे। रोहित, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। इवेंट स्पेसिफिक बड़ा दिन है आज, इंडेक्स पर नजरिया क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग मानसी, ये बिल्कुल इवेंट रहेगा आज, पॉलिसी है जो हिसाब से, बट मुझे ओवरऑल तेजी लग रही है बिकॉज 12,000 के ऊपर हम लोग सस्टेन कर रहे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। मुझे लग रहा है कि कोई भी डिसिप्लिन भी बाय करके चलना चाहिए। 11,950 काफ़ी अच्छा बेस है इंडेक्स के अंदर, वहाँ पर अपना सपोर्ट मेटन करके चलिए। ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है कि वापस 12,150 तक मुझे लग रहा है कि निफ्टी मूव दिखा सकती है, तो बिल्कुल बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रहेगी। और स्टॉक से जब अगर बात करो तो मैं यहाँ पर दोनों ही स्टॉक मेरे फुल बॉक्स फुल बैक प्ले करना चाहूँगा। पहला स्टॉक मेरा UGL रहेगा, 200 DNA के से एक बाउंस हम लोग ने सेशन में देखा था लास्ट सेशन में, आई थिंक वॉल्यूम काफ़ी एक्टिव है, मुझे लग रहा है कि ऐसे कंटिन्यू चलती रहेगी। ऊपर की तरफ 1300 का टारगेट के लिए बाय करके चल सकते हैं, आपका स्टॉक लॉस 1320 का रहेगा। दूसरा स्टॉक मेरा कैडिला हेल्थ केयर रहेगा, थोड़ा हाई बीटा स्टॉक है बट काफ़ी अच्छे सपोर्ट से बाउंस कर रहा है, वॉल्यूम काफ़ी एक्टिव है, मुझे लग रहा है कि वापस यहाँ पर बाय रिलेटेड करना चाहिए, टारगेट पर बाय करके करना चाहिए, स्टॉक लॉस आपका 250 रहेगा। ओके, क्लियरली यूनाइटेड ब्रूवरीज और कैडिला हेल्थ केयर पर खरीदारी करके आप चल सकते हैं। रोहित, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। चलिए अब जान लेते हैं आज के लिए ट्रेडिंग कॉल्स, ढेर सारी ट्रेडिंग कॉल्स हैं आज हमारे पास और सारी की सारी खरीदारी की तरफ इशारा कर रही है। शुरुआत कर लेते हैं निर्मल बैंक सिक्योरिटीज की राय से, इनका मानना है कि प्राज इंडस्ट्रीज पर आपको खरीदारी करके चलना है, 158 के लक्ष्य को ध्यान में रखें, 146 का यहाँ पर आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस। साथ ही गेट वे डिस्ट्रिक्ट पार्क यहाँ पर भी खरीदारी करके चले, निर्मल बैंक सिक्योरिटीज का मानना है कि यहाँ पर आपको 156 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, 142 का यहां पर लगाएं स्टॉप लॉस। IDBI कैपिटल की राय देखें, इनका मानना है कि बाटा इंडिया पर आपको खरीदारी करनी है फ्यूचर्स में, यहां पर 1414 के लक्ष्य को ध्यान में रखें, 1360 का एक स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल ना भूलें, खरीदारी का कॉल यहां अपना कर चल सकते हैं। और साथ ही सीएट में खरीदारी करके चलें, यहां पर भी IDBI कैपिटल का मानना है कि 1050 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 1005 का यहां पर स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। और अंत में बात करते हैं आनंद राठी सिक्योरिटीज की, दो कॉल्स दिए इन्होंने, एक तो उज्जीवन और साथ ही मैकडोवल्स पर, उज्जीवन पर खरीदारी करें 379 का यहाँ पर टारगेट ध्यान में रखें, 364 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। और साथ ही मैकडोवल्स में खरीदारी का मन बनाना है, 590 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 567 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल ना भूलें। ढेर सारी ट्रेडिंग कॉल्स, एक्सपर्ट की तरफ से भी स्टॉक पिक्स आपको मिल चुकी है, लेकिन अब रुख करते हैं कमोडिटी बाजार का और कमोडिटी बाजार पर आज आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए जानने के लिए हमने बात की एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता से। उनका मानना है कि बुलियन मार्केट में आप खरीदारी करके चल सकते हैं, सोने के वायदे में 32,950 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए खरीदारी करें, 32,450 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना बिल्कुल ना भूलें। एनर्जी पैक में क्रूड पर इन्होंने स्ट्रैटेजी दी है, खरीदारी की तरफ ही स्ट्रैटेजी दे रहे हैं, 3,680 घरेलू बाजार में टारगेट्स को आप ध्यान में रखकर चलें, 3,530 का यहां पर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। और USD INR पेयर
जब मंगलवार के दिन रुपया बंद हुआ था, एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली थी। आज की ओपनिंग देखना बेहद अहम है। 69 रुपये और 90 पैसे पर आपको टारगेट ध्यान में रखना है। खरीदारी का मन बनाएं, 69 रुपये और 20 पैसे का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, स्टॉक पिक, इंडेक्स स्पेसिफिक स्ट्रेटजी और कमोडिटी बाजार का जायजा हमने देख लिया, लेकिन आज दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर कौन से शेयर्स हैं, ये जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी और रिसर्च एनालिस्ट आशीष चतुर्वेदी के पास। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं ब्रोकरेज हाउसेस कहां पर दाव लगा रहे हैं। गुड मॉर्निंग मानसी, आयशर मोटर्स पर रिपोर्ट आई है CLSE की, वहां से शुरुआत करेंगे। आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, लक्ष्य दिया है 22,500 रुपये का, और यहां पर ब्रोकरेज हाउस का मानना यह है कि कंपनी छोटे शहरों में अपना नेटवर्क बढ़ा रही है, जो उसके लिए फायदेमंद होगा। दूसरी रिपोर्ट है मेरे पास अदानी पोर्ट की, CLSE की रिपोर्ट है। अगेन यहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, लेकिन लक्ष्य को काफी बढ़ाया है, लक्ष्य को 475 से बढ़ाकर 510 रुपये किया गया, और ब्रोकरेज हाउस का मानना यह है कि जो बायबैक हो रहा है उसके बाद ROE में काफी बढ़ोतरी होगी। और दूसरा, यहाँ पर EPS का अनुमान जरा सा घटा है, लेकिन आगे जाकर ये मान रहे हैं कि अर्निंग जो एस्टिमेट है वो ठीक ठाक ही रहेगा। तीसरी रिपोर्ट से डॉक्टर रेड्डीज पर CLSE की रिपोर्ट है, बाय रेटिंग दी है, लक्ष्य 3,300 का दिया गया है, और यहाँ पर ये मान रहे हैं ब्रोकरेज हाउस की खर्चों में कटौती से कंपनी को फायदा होगा, और कंपनी का फ्री कैश फ्लो है वो काफी मजबूत है, तो एक पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है आज डॉक्टर रेड्डीज के लिए। इसके अलावा कुछ और रिपोर्ट्स हैं मेरे पास, CLSE की रिपोर्ट है गेल पर, यहाँ पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है, लक्ष्य को काफी घटाया है, 420 से घटाकर 365 किया गया है। और आखिरी रिपोर्ट है ICICI प्रूफ मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ये ओवरवेट की रेटिंग दी है, लक्ष्य 450 रुपये का है। ओके आशीष, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। वर्ल्ड कप में भारत ने शानदार आगाज किया है। जी हाँ, कल दिलचस्प मुकाबले में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 6 विकेट से हरा दिया। 122 रनों की पारी खेलकर भारत की जीत के हीरो बने रोहित शर्मा। भारत को जीत के लिए 228 रनों का लक्ष्य मिला था, लेकिन शिखर धवन और कप्तान कोहली के सस्ते में आउट होने के बाद रोहित शर्मा ने न सिर्फ एक छोर थामे रखा बल्कि रन गति को भी कायम रखा और आखिरकार टीम को जीत दिलाकर दम लिया। लोकेश राहुल और धोनी ने भी मिडिल ऑर्डर में अच्छी बल्लेबाजी की। इसके पहले युजवेंद्र चहल और जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी के आगे अफ्रीकी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए। ओपनर्स को बुमराह ने चलता किया और मिडिल ऑर्डर में चहल ने सेंध लगा दी और पूरी टीम 50 ओवर्स में सिर्फ 227 रन ही बना सकी। 228 रनों के छोटे लक्ष्य को भारत ने आखिर में 2.5 ओवर रहते ही हासिल कर लिया। आज RBI ब्याज दरों पर अपना फैसला सुनाने जा रहा है और इसका सही, सटीक और आसान विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस पर आप देखेंगे। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी तो होंगे ही, और साथ ही एक बड़ी पैनल RBI पॉलिसी पर आपका साथ निभाएगी। पॉलिसी की सही और सटीक जानकारी सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस पर। चलिए, पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही।